नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निशा। तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी में आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्रवाई गतिमान है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके और लोगों की समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायत भी पहुंची थी, जिसके बाद कमिश्नर सख्त एक्शन के मूड में है। हल्द्वानी में नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा आज मंडी से लेकर नरीमन चौराहा काठगोदाम तक एनएच के अंतर्गत आने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि लंबे समय से सड़क तो ठीक करने की मांग की गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास इसका बजट नहीं था। उनके द्वारा दिशा की बैठक करके सड़क को ठीक करने के लिए एनएचआई के जरिए पीडब्ल्यूडी को पैसा ट्रांसफर कराया गया और आज सड़क का शिलान्यास किया गया है। आईपीएल सीजन शुरू होते ही सट्टे बाजार भी गर्म होने लगते हैं, जिसको लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन सट्टा खेला और खिलाया जाता है। सट्टा खेलने में कई लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और कुछ सट्टा खिलाने वाले लोग अपनी जेब में भरकर मौज उड़ाते हैं। ऐसे ही सट्टेबाजों को रोकने के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तैयारी की गई है। इसी संबंध में हल्द्वानी पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के द्वारा बताया गया कि आईपीएल शुरू होने पर क्षेत्र में सट्टे लगाए जाने की सूचना मिलती रहती है, लेकिन साफ न होने पर कार्रवाई होने में देर लगती है। उन्होंने कहा कि सट्टा लगवाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात टीम जवाहर नगर क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान फातिमा मस्जिद के पास एक महिला संदिग्ध हालत में मिली। पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम सीता निवासी बनभूलपुरा बताया। उसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। शराब गौला मजदूरों को बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। तो फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।